आमना सामना मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मुंबईकर ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस बम्बई शहर में बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी हैं जिसकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी है, और सरकार ने भी ये कोशिश की है कि उन बिल्डिंगों को जो है दोबारा से डेमोलिशन करके वहाँ पर नए नए टावर बनाए जाए, नई बिल्डिंग बनाई जाए, और ये एक अच्छी बात है। हम भी इसका एतराफ़ करते हैं, मानते हैं कि बम्बई शहर को सुधरना चाहिए। जो बिल्डिंग बुरी हालत में है, जो गिरने के कगार पर है, उनको तोड़कर नई बिल्डिंग बननी चाहिए। लेकिन इस कानून का, क्योंकि सरकार ने जो कानून बनाया है कि पुरानी बिल्डिंगों की जगह नई बिल्डिंग बनाई जाए, लेकिन हम यहाँ देखते हैं ऐसे बहुत सारे वाकयात हमारे सामने हैं, और आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि जो बहुत सारी बिल्डिंगें मजबूत हैं उसके बावजूद BMC और बिल्डर की मिलीभगत से, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, कारोबार है, उनकी मदद से जो है ऐसी बिल्डिंगों को भी जो अच्छी हालत में है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अच्छी उनकी कोई मरम्मत की ज़रूरत नहीं उनको, और वहाँ पर किसी तरह का डेमोलिशन की ज़रूरत नहीं है, जहाँ के हज़ारों किराएदार बसते हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपना घर छोड़कर किसी और घर में जाएं, क्योंकि उनकी हालत अभी बिल्डिंगों की अच्छी है, वो पूरी तरह से मज़बूत बिल्डिंग है। लेकिन ऐसी बिल्डिंगों को भी C1 कैटेगरी के नाम पर, C1 वो होता है जहाँ पर BMC नोटिस देती है C1 का कि ये बिल्डिंग खतरनाक हालत में है। लेकिन आज हम आपको ऐसी बिल्डिंग के ताल्लुक से बताते हैं जो ख़तरनाक नहीं है बल्कि मजबूत है। ये कहना है यहाँ के टेनेंट्स का, यहाँ के मेम्बरों का, और ये बिल्डिंग का नाम है, आइए हम आपको बिल्डिंग दिखाते हैं। हमारी कैमरा पर्सन शाहिन पटेल आपको बिल्डिंग दिखाएंगी। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये बिल्डिंग है मिस्त्री हाउस शिखावती मेंशन, जिसको BMC की नोटिस दी गई है C1 कैटेगरी का, और यहाँ के टेनेंट्स जो है, यहाँ के किराएदार जो हैं, यहाँ के सोसाइटी के लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस तरह की नोटिस की कोई ज़रूरत नहीं थी, और ये बिल्डर और मालिक जो है इस बिल्डिंग का, उसकी मिलीभगत से ये हुआ है, और आज किराएदार परेशान है। उनका कहना है कि हमें कहीं हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर एक मदरसा भी है जहाँ पर इबादत होती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। वो मदरसा आप देख रहे हैं सामने, हमारी कैमरा पर्सन शाहिन पटेल आपको दिखा रही हैं। इस मस्जिद में नमाज, मदरसे में नमाज भी होती है 5 वक्ता, और ये मदरसा और मस्जिद है। बाकी आप बिल्डिंग को देख सकते हैं, बिल्डिंग में अच्छी तरह से लोग रह रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से ये कहूँगा कि वो बिल्डिंग को दिखाए नीचे से लेकर ऊपर तक, और शायद ये 3rd फ्लोर पे ही, ऊपर के फ्लोर पे ब्लू खिड़की जो है ना, ब्लू वाली, ये मालिक मकान है, इस बिल्डिंग के मालिक है, रहते हैं। उन्होंने भी जो है BMC के साथ मिलकर उनको ये दस्तखत दे दिए कि बिल्डिंग को की मरम्मत को फिर से दोबारा डेवलपमेंट में जाना चाहिए, जबकि यहाँ पर लोगों का कहना है कि इसको डेवलपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए सारी बात जानते हैं, जो हकीकत क्या है वो हम यहाँ के मेंबर हैं, इस मिस्त्री हाउस शिखावती मेंशन के मेंबर हैं अशरफ खान साहब, उनसे बात करते हैं। अशरफ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पूरा मामला हमारे दर्शक और लोग और BMC कर्मचारी और इस देश का, ये महाराष्ट्र का प्रशासन, हम समझें चाहेंगे कि फडणवीस साहब को भी पूरी बात का पता चले कि क्या हो रहा है। हमारी बिल्डिंग जो है मिस्त्री शेखावटी बिल्डिंग, और ऐसी बहुत सी बिल्डिंग है जोगेश्वरी में जिनको बिल्डर और BMC ने आपस में लेन देन का मामला करके C1 कैटेगरी में डाला है। ये बिल्डिंग बिल्कुल सेफ है, हमने अपने कंसल्टेंट से पूरी रिपोर्ट करवाई है। रिपोर्ट के बाद में कंसल्टेंट ने बोला बिल्डिंग इज़ ए रिपेरेबल। हम रिपेयरिंग भी मांग रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमारे को रिपेयरिंग के लिए दो, BMC में लेटर डाले है। और इस बात का ये है कि फडणवीस साहब ने खुद टीवी पर आकर ये बात बताई है कि BMC के अधिकारी बिल्डर मिल के ये खेल खेल रहे। अच्छा, तो ये खेल को इतना हमने लेटर डाला कि भाई ये खेल जब हो रहा है, जब फडणवीस साहब को खुद मालूम है CM साहब को, और उसके बदौलत उन्होंने टेक कमेटी को बर्खास्त कर दिया, और यहाँ के K West के अधिकारी थे खराडे और रोंगे, उनको भी यहाँ से हटा दिया गया। तो 354 की नोटिस जब आती है तो उससे पहले आती है 351 की नोटिस, 352, 353 की नोटिस आती है। ये तीनों नोटिस हमारे को नहीं मिली। वो ऊपर लैंडलॉर्ड जो रहते हैं उन्होंने इलीगल रूम बनाया है टेरिस पे, वहाँ पर मैनेज करके ऑफिसर लोग को 3 नोटिस ले ली गई, और डायरेक्ट 354 की नोटिस हमारी बिल्डिंग को दे दी गई। अच्छा। फिर नोटिस के बाद में हम लोगों ने भाग दौड़ की है, सब ने किए, पूरे मोहल्ले वालों ने। उसके बाद में हमारे को मालूम पड़ा कि टेक कमेटी के पास है, टेक कमेटी में गए तो टेक कमेटी के वटकर साहब है, वो बोलते हैं हमारे पास में ये बिल्डिंग है ही नहीं C1 कैटेगरी में जी। ये आपका मैनेज हुआ है K West से। अच्छा। K West के अधिकारी इसमें शामिल है और लोगों को तकलीफ दे रहे। तो उसमें ना मिस्त्री शेखावटी अकेली नहीं है,
योगेश्वरी की कुंज निवास, सैयद बिल्डिंग, ये सब को लोगों ने मैनेज किया है जी। ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग बॉम्बे शहर में, बॉम्बे शहर बिल्डिंग की जी। ये बताइए कि यहाँ पर कितने किराएदार है सारे टेनिस? हमारे इधर 67 किराएदार है दोनों बिल्डिंग में जी। एक मदरसा और मस्जिद है। ये सारे खिलाफ है कि कुछ लोग इसके फेवर में भी है? नहीं, सारे हमारे साथ है और हम कोर्ट में गए। अच्छा, जबकि हमको कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था। अच्छा। हमारी 354 की नोटिस का, लेकिन कोर्ट में हम चले गए। कोर्ट से भी हमारे को राहत मिली है। अच्छा, कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन बिल्डर के पास में हमारा फैसला होता है। बिल्डर कौन है? बिल्डर शाहिद गहलोत है। अच्छा। फ्रॉड है, एकदम एक नंबर का फ्रॉड है। अच्छा। फैसला होता है हमारा, हम बैठते हैं, हाँ भाई ये हो गया, ये हो गया, फिर लास्ट में कोई ना कोई चीज़ लाके डाल देता। वो काम नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि बिल्डिंग खाली हो जावे और मेरे को भाड़ा नहीं देना पड़े, मेरे को भाड़ा नहीं देना पड़े और मेरे को एरिया जो है गवर्नमेंट के हिसाब से जो कानून आया नया, तो उसके अंदर ना एरिया बढ़ा के देने का सब है, तो वो चाहता है कि ये भी नहीं देना पड़े, लोग तंग आकर बिल्डिंगें खाली कर देवे। इसके मालिका ना हुकूक जो है, जो हक जो है, वो टेनेंट्स के पास है जी। हाँ, ये हमारे टेनेंट्स, हम लोग कम से कम 40 साल से है। अच्छा। हमारे जो लैंडलॉर्ड थे अलीम खान चाचा, फतेह मोहम्मद चाचा, उनका इंतकाल हो गया, उनकी औलादों ने इनको बेच दिया जी। और ये आए थे डेवलप करने के लिए, ये लैंडलॉर्ड बनने नहीं आए थे, अब ये लैंडलॉर्ड बन गए। और डेवलपर का मतलब है ना, डेवलप करने की बात ही नहीं करते। अच्छा, डेवलपमेंट के मामले में बिल्डर का क्या कहना है? वो मालिकाना हुकूक उनके पास रहेंगे कि आप लोगों के पास रहेंगे? नहीं, हम लोग को तो ओनरशिप चाहिए बिल्डिंग। आज जो भी बम्बई में बन रही है, टोटल ओनरशिप बन रही है। ओनरशिप दे रहा है वो अभी आगे अड़ा है कि मैं टेनेंसी दूंगा। अच्छा, क्यों? बस वो उसकी मर्जी, मतलब वो अड़ंगा डालना चाहता है कि उनको मालूम है ये लोग आने वाले नहीं है। और हम लोगों ने पूरी दिल्ली तक का जो भी सरकार है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबको लेटर दिए, उसके पास मेरी कॉपी है। तो सरकार को ये चीज़ है ना ध्यान में लानी चाहिए। हमने शिवसेना प्रमुख को भी लेटर लिखा है, उद्धव ठाकरे जी को भी जी। और सबको लेटर लिखा है कि भाई ये मुद्दे में पढ़ो। यहाँ के MLA नगर से क्या कहते हैं? हमारे हारून खान साहब है, हारून खान साहब शाखा प्रमुख है, शायद हारून खान, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, वो हमारे साथ में ही है शिवसेना के। यहाँ के MLA अमित साडम साहब है, वो भी हमारे फेवर में ही है। अच्छा। वो भी चाहते हैं कि बिल्डिंग का डेवलपमेंट हो, ये हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, हम लोग बिल्डिंग रिपेयर नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हमारे को अगर वो डेवलपमेंट नहीं करता है तो मजबूरी हमारे को बिल्डिंग रिपेयर करानी पड़ेगी। पावरफुल सियासी लोग आपके साथ में हैं जी जी, कि BMC के जो अधिकारी हैं वो फिर भी बाज नहीं आ रहे अपने इस तरह की हरकतों से। हाँ, उनको तो यहाँ से तो मतलब उनका ट्रांसफर हो गया रोंगे और खराडे का। अच्छा। और उनके नाम की इतनी एलिगेशन है, आप अगर BMC के अंदर और कहीं भी आप लेटर डालोगे, RTI डालोगे, तो आपका उनका पूरा चिट्ठा मिल जाएगा। उन पर कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक? कार्रवाई नहीं हुई है, खाली उनका ना ट्रांसफर हुआ है। जो म्यूनसिपल कमिश्नर है जी, आप उनसे चाहेंगे कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई अजय मेहता साहब को लेटर लिखा गया है, अजय मेहता साहब का भी कोई जवाब नहीं। सिर्फ एक है ना, TV पे आकर एक इम्प्लीमेंट लाना, एक तो पहली बात तो खाली बात करना, इम्प्लीमेंट नहीं लाए। जब सरकार जो बात बोलती है कि भाई ये बम्बई के अंदर सबसे ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है, उसका रीडेवलपमेंट होना चाहिए, टेनेंसी राइट खत्म करके ओनरशिप कर देना चाहिए, लेकिन सरकार खाली आती है TV के ऊपर, बोलते हैं और चले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई सरकार ये बात को सुने हुए कि आज है ना बिल्डिंग के अंदर जितने लोग हैं, जिसके पास घर है ना, वो परेशान है। बिल्डर की गुंडागर्दी को रोका जाए, ये पुलिस का भी काम है, ये पुलिस का भी काम है। हमारे को जब है ना इधर पानी की लाइन काटने के लिए BMC आई थी, तो कम से कम 10 गाड़ी भर के, जैसा यहाँ पर कोई आतंकवादी है, मतलब वो बिल्डर ने मैनेज किया पैसे देके, वो भी हमने कंप्लेंट डाले, फिर हमने वो रोका, फिर हमने जो भी कोर्ट में गए, कोर्ट ने हमको राहत दी, कोर्ट ने हमको ये बोली है कि भाई तुम जिए मरे तुम्हारे रिक्स पे। आपके वकील कौन है? हमारे वकील है तौरात साहब। वो क्या कह रहे हैं? वो अभी हमारे को सबको कोर्ट में बुलाए। आज तक हमारे घर के लोग, हमारी फैमिली ना तो कभी रोड पे आई है और ना कभी कोर्ट गई है, आज उनकी वजह से हमारे को कोर्ट जाना पड़ रहा है। देखो बाहर बस खड़ी है, अभी हमारी पूरी फैमिली उतरेगी और सब कोर्ट जाएगी बिल्डिंग में। अब आखिर में आपका एक मतलब, मैं ये चाहूँगा कि आप क्या चाहते हैं? आप हम लोग रीडेवलपमेंट चाहते हैं, जो हमारा हक है हमको मिले, उनका हक उनको मिले, और कुछ भी नहीं। हमारी 3000 स्क्वायर फीट की मस्जिद है, मस्जिद दे दे वो मस्जिद हमारे लैंडलॉर्ड ने बनाई है जी, वो बाद में खरीदा, उसने तो ये सब देख के खरीदा है। तो लोगों को परेशान करने का मतलब, खाली हम नहीं परेशान है, ऑल और बॉम्बे के अंदर लैंडलॉर्डशिप वाली बिल्डिंग सब परेशान है। तो ये परेशानी कौन दूर करेगा? सबका साथ होना चाहिए। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास,
दर्शक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और भी बिल्डिंग के यहाँ पर लोग भी हैं। ये मैं चाहूँगा कि ये आप देखें, और भी कोई अगर कुछ कहना चाहता है, जैसे कि अशरफ खान साहब ने कुछ बात कही है, तो क्या आप लोग भी इस बात को सपोर्ट करते हैं, हिमायत करते हैं? आप सभी लोग साथ में हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? यही चाहते हैं कि हमको हमारा हक मिल जाए और बिल्डर को बिल्डर का हक मिल जाए। आया था वो बिल्डर बन के और बन गया लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड बन गया, अब लैंडलॉर्ड बन के बैठा हुआ है। और सभी और कोई कुछ कहना चाहेंगे आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सब हमारे लोग ही है, हमारे अहमद भाई है, अहमद साहब है कुछ नहीं, बस अपने तो बाहर रहता हूँ, ये लोग ही है इनको। चलिए नाज़रीन, ये था पूरा मामला जो कि आपने यहाँ के जो मेंबर हैं, यहाँ के लोग हैं, जो किराएदार, उनसे सुना आपने। हम ये चाहेंगे कि सरकार और बीएमसी के लोग अधिकारी जो हैं वो अपनी गुंडागर्दी से बाहर आ जाए, सरकार इस पर तवज्जो दे कि इन गुंडों को रोका जाए, और इस तरह की जो बिल्डर की दादागिरी है और बीएमसी की मिली भगत के साथ जो इस तरह से जो किराएदारों को परेशान किया जाता है, ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी रुकना चाहिए और आम जनता को इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। अभी हमने शेखावत पेंशन का ये पूरा मामला सुना अशरफ खान साहब से, उन्होंने बताया कि किस तरह से आप लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है बीएमसी और बिल्डर की तरफ से। तो अभी आप सारे लोग पेरेंट्स कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट किस लिए जा रहे हैं? बिकॉज जब बिल्डर और बीएमसी की गुंडागर्दी बढ़ जाती है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम तो कोर्ट ही जाएंगे ना। तो कोर्ट से हमको इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह, दुआ करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये देख सकते हैं कि आप मिस्त्री शेखावती मेंशन के टेनेंट्स किराएदार अदालत से इंसाफ मांगने आए हैं बिल्डर और बीएमसी के खिलाफ, जिनके साथ में नाइंसाफी हुई है, अत्याचार हुआ है, और इनको इनकी मर्जी के खिलाफ जो है बिल्डिंग को जो है उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, इनको उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं कि औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे टेनेंट्स एक साथ हैं, क्या सब एक साथ हैं क्या? सरकार को सोचना होगा कि वो सरकार बिल्डरों की है कि आम जनता की है, और आम जनता को इस तरह से जो है परेशान किया जा रहा है, ये सरकार को सोचना होगा। इस मामले की, इस पूरे केस की सुनवाई है या कोर्ट में तारीख पड़ी हुई है, सारे टेनेंट्स यहां पर आए हैं और अदालत से इंसाफ मांगने आए हैं। जो आम आदमी को बीएमसी से, सरकार से, पुलिस से इंसाफ नहीं मिलता है तो वो अदालत का रुख करते हैं, और अदालत उनको से उनको इंसाफ मिलता है, यही हमारा देश का सबसे बड़ा कानून है। आप ये देख सकते हैं कि महिलाओं को कितना दिक्कत हो रही है, और इनको ये बिल्डरों का एहसास नहीं है, लगता है इनकी इंसानियत मर चुकी है। और बीएमसी अधिकारियों को भी सोचना होगा कि अगर इनके घर वालों के साथ में ऐसा हो तो इन पर क्या गुजरेगी, किस तरह से आम लोगों को परेशान किया जा रहा है।